नमस्कार, सिटी न्यूज के समाचार में आपका स्वागत है। कैसे रहा दिन भर की खबरों का हाल, देखिए सबसे पहले आज की हेडलाइंस। मेलघाट के कुपोषण का मुआयना करने महिला बाल विकास मंत्री वर्षा गायकवाड़ दो दिवसीय मेलघाट दौरे पर। पीने के पानी की दर वृद्धि पीछे लेने की मांग, पूर्व विधायिका सुलभा खोलके का मजिप्रा को ज्ञापन। सामाजिक न्याय विभाग की तमाम योजनाएं लाभार्थियों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी करेंगे पूरी, विधायक रवि राणा का आश्वासन। भारतीय व्यायाम का विदेश में हो रहा प्रचार प्रसार, एचपीएम की टीम कर रही है भारतीय व्यायाम का प्रसार। और महानगर के शानो शौकत बढ़ाने वाला जेएनडी मॉल हो गया सच। ये थी आज की हेडलाइंस। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले लेते छोटा सा ब्रेक। इस बुलेटिन के इस भाग के प्रायोजक है इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर, आजा। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ। मम्मी पापा जब भी इनमार्ट आते हैं मैं भी आती हूँ। आप ही इनमार्ट मेंबर हैं? हम समझदार कपल हैं, तभी तो इनमार्ट मेंबर हैं। बिल्कुल ठीक, मेरे लिए इनमार्ट की मेंबरशिप का मतलब बहुत खास है। अब सबके साथ शेयर कर भी लो। मेरे लिए इनमार्ट का मतलब है भरोसा, बचत और मजेदार शॉपिंग, देश विदेश के मशहूर ब्रांड्स, भारत के सबसे विशाल रिटेल परिवार का सदस्य होने का गौरव, हर बार यादगार इनमार्ट। क्या अमरावती शहर का हाल, देखते संपूर्ण समाचार विस्तार से। भारतीय परंपरागत व्यायाम और भारतीय संस्कृति का प्रचार और प्रसार करने के लिए श्री हनुमान मयम प्रसारक मंडल के 25 खिलाड़ियों की टीम लुथेबोनिया रवाना हो चुकी है। महानगर से विदेश यात्रा पर रवाना हुए इस टीम का मुंबई राजभवन में राज्यपाल शंकर नारायण के हाथों स्वागत कर और शुभकामनाएं देकर रवाना किया गया। भारतीय व्यायाम प्रणाली और भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार यूरोपीय देशों में करने के लिए श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल अमरावती के 25 खिलाड़ी युवक युवतियों की टीम लुथेबोनिया देश रवाना हो चुकी है। लुथेबोनिया देश में आयोजित जागतिक क्रीड़ा परिषद में भारतीय परंपरागत व्यायाम व संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने वाले इस एचओपीएम के टीम का मुंबई राजभवन में राज्यपाल शंकर नारायण ने भी शुभकामनाएं प्रदान कर इस टीम को विदेश यात्रा पर रवाना कर दिया। विगत 30 जून को ये टीम अमरावती रेल स्थानक से मुंबई के लिए रवाना हुई थी। पद्मश्री प्रभाकरा वैद्य ने आशीर्वाद प्रदान कर इस खिलाड़ियों के टीम को रवाना किया। ये टीम विदेश में भारतीय परंपरागत व्यायाम और भारतीय संस्कृति का झंडा लहराकर लौटेंगी, ऐसा आशावाद भी पद्मश्री प्रभाकरा वैद्य ने इस वक्त व्यक्त किया। मंगलवार को गुरु पूर्णिमा उत्सव अम्बा नगरी में पूरे उत्साह से मनाया गया। महानगर के जैन दादावाड़ी स्थानक में भी इस गुरु पूर्णिमा उत्सव का आयोजन भक्तिपूर्ण और गुरु भक्ति के वातावरण में संपन्न हुआ। मंगलवार को अम्बा नगरी अमरावती सहित पूरे जिले भर में गुरु पूर्णिमा उत्सव के आयोजन संपन्न हुए। महानगर के श्री जैन दादावाड़ी में भी गुरु पूर्णिमा का उत्सव आयोजन संपन्न हुआ। सनातन वैदिक हिंदू धर्म में गुरु को महत्वपूर्ण और श्रेष्ठ स्थान दिया गया। गुरु ही हमें सच्ची राह पर चलना सिखाते हैं और गुरु ही हमारे जीवन के उद्देश्य को सफल करता है, ऐसी सीख इस गुरु पूर्णिमा उत्सव के आयोजन से दी गई। जैन समाज के असंख्य महिला एवं पुरुष गुरु पूर्णिमा उत्सव में सहभागी हुए थे। इसी तरह महानगर सहित जिले भर गुरु पूर्णिमा पूरे उत्साह
और भक्तिपूर्ण वातावरण में मनाई गई। जिले के मेलघाट से भी सैकड़ों श्रद्धालु गुरु भक्ति के प्रेरणा से पैदल यात्रा कर मध्य प्रदेश स्थित दादाजी धुनी वाले दरबार पहुंचे थे। धारणी से निकले जत्थे को भव्य स्वागत समारोह से विदा किया गया। इस तरह महानगरी सहित समूचे जिले भर गुरु पूर्णिमा महोत्सव पूरे श्रद्धा पूर्वक वातावरण में सम्पन्न हुआ। अमरावती पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक का कॉस्मोस बैंक में विलीन होकर एक वर्ष पूर्ण हो चुका है। इस अवसर पर कॉस्मोस बैंक के बडनेरा रोड और मार्केट यार्ड इन दोनों शाखाओं का प्रशस्त इमारतों में स्थलांतर होने जा रहा है। आगामी 6 जुलाई को स्थानीय सांस्कृतिक भवन में आयोजित एक समारोह से यह स्थलांतर समारोह सम्पन्न हुआ। शाम 6 बजे आयोजित इस समारोह में मराठी बाना इस सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया है। शहर के लालखड़ी स्थित कब्रस्तान के वॉल कंपाउंड के निर्माण के लिए महाराष्ट्र शासन अल्पसंख्यक विभाग की ओर से 20 लाख रुपए की निधि मंजूर हुई है। 31 दिसंबर 2011 को ये निधि मंजूर हुई है। निधि मंजूर होकर कई महीने बीत गए हैं, पर अब तक इस कब्रस्तान के वॉल कंपाउंड का काम शुरू नहीं हुआ है। ये काम तुरंत शुरू हो ऐसी मांग अल्पसंख्यक सेल ने उठाई है। महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण ने 1 जुलाई से पीने के पानी के दरों में बढ़ोतरी कर दी है। ये बढ़ोतरी रद्द कराई जाए ऐसी मांग राष्ट्रवादी नेत्री सुलभा खोड़के ने महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण को सौंपे ज्ञापन से की। महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण पीने के पानी के दरों में 16-20% की बढ़ोतरी कर रहा है। 1 जुलाई से ये पानी दरों की वृद्धि लागू हो जाएंगी। इस पर विगत कुछ दिनों पूर्व ही सिटी न्यूज ने शहरवासियों का ध्यान खींचा था। विगत 1 जुलाई से ये दर वृद्धि लागू हो गई। पहले ही महंगाई की मार और अब पीने का पानी भी महंगा कर दिया गया। सरकार क्या पीने का पानी भी नसीब होने नहीं देना चाहती क्या? ऐसा सवाल इस दर वृद्धि को लेकर सिटी न्यूज ने उपस्थित किया था। यही सवाल दोहराते राष्ट्रवादी नेत्री सुलभा खोड़के ने बुधवार को महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के कार्यकारी अभियंता को निवेदन सौंपकर ये दर वृद्धि पीछे लेने की मांग रखी। अब मजीपुरा इस दर वृद्धि पर क्या निर्णय लेता है ये देखना है। पीने का पानी अत्यावश्यक सेवा में आता है और सरकार का उत्तरदायित्व है कि नागरिकों को पर्याप्त पीने का पानी मुहैया कराए, पर सरकार शायद नागरिकों को पीने का पानी भी नसीब नहीं होने देना चाहती है। यही इस दरुद्धि से स्पष्ट होता है। मेलघाट के कुपोषण की स्थिति का जायजा लेने महिला बाल विकास मंत्री वर्षा गायकवाड़ 2 दिवसीय मेलघाट दौरे पर है। इस 2 दिवसीय दौरे में वर्षा गायकवाड़ मेलघाट के कुपोषण का जायजा लेगी। हर वर्ष मेलघाट के कुपोषण मुक्ति के लिए करोड़ों का निधि खर्च होता है, पर मेलघाट का कुपोषण है कि खत्म नहीं होता। अब महिला बाल विकास मंत्री मेलघाट का 2 दिवसीय दौरा कर क्या कुछ बदलेगी ऐसा पूछा जा रहा है। महानगर की शानो शौकत में 4 चांद लगाने वाले JND मॉल का लोकार्पण समारोह कुछ ही पलों बाद यानी गुरुवार को शाम 6 बजे विभिन्न मान्यवरों के उपस्थिति में होगा। महानगर के शानो शौकत में 4 चांद लगाने वाला JND मॉल महानगर वासियों के सेवा में सज्ज हो चुका है। ये JND मॉल शहर का प्रथम ऐसा मॉल है जो एयर कूल्ड है। इस मॉल की इमारत 4 मंजिला है और ये इमारत भूकंप रहित RCC डिजाइन पर बनी है और 1100 वर्ग फुट की पार्किंग व्यवस्था के साथ 2 कैप्सूल लिफ्ट, 1 लगेज लिफ्ट, प्रशस्त प्रसाधन गृह, 2400 घंटे पानी की व्यवस्था आदि विशेषताएं इस JND मॉल की है। ऐसे सर्व सेवा सुविधाओं से लैस इस JND मॉल का लोकार्पण समारोह अब के कुछ ही पलों बाद यानी गुरुवार की शाम 6 बजे विधायक रावसाहेब शेखावत के हाथों और महापौर सौ वंदना कंगाले इनके अध्यक्षता में सम्पन्न होगा। इस अवसर पर सांसद आनंदराव अड़सूल, विधायक रवि राणा, विधायक प्रवीण पोटे, पूर्व विधायिका सुलभा खोड़के, मनपा आयुक्त नवीन सोना, जिलाधीश राहुल रंजन महिवाल सहित मनपा के सभी पार्षद प्रमुखता से उपस्थित होंगे। लोकार्पण समारोह पश्चात ये सर्व सुविधा युक्त मॉल शहर वासियों को आधिकारिक रूप से लोकार्पित हो जाएगा। महानगर समीक्षा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट सिटी न्यूज। मनसे के राज्य परिवहन कामगार सेना का विभागीय सम्मेलन बुधवार को स्थानीय विश्वेश्वरैया सभागृह में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में कामगार हितों के लिए आवाज बुलंद की गई। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के राज्य परिवहन कामगार सेना का विभागीय सम्मेलन बुधवार को महानगर के विश्वेश्वर सभागृह में संपन्न हुआ। राज्य परिवहन यात्रियों को 21 प्रकार की सेवाएं देता है। वरिष्ठ नागरिकों को आधे टिकट की सेवा, विकलांगों को 1/4 टिकट दर, ऐसी विभिन्न सेवाओं का इनमें समावेश है। एसटी चालक, वाहक एवं कामगारों के बलबूते राज्य परिवहन महामंडल के पास करोड़ों रुपयों की संपत्ति जमा हो गई, पर मेहनत करने वाले एसटी चालक, वाहक और कामगारों को राज्य परिवहन दरकिनार कर रहा है।
इसके खिलाफ इस विभागीय सम्मेलन में आवाज उठाई गई। इस सम्मेलन में पूरे संभाग भर के परिवहन कर्मचारी सहभागी हुए थे। अब नजर डालते दिन भर के एवं कुछ बीती घटनाओं पर। देश के जाने माने कार्टूनिस्ट श्याम जगोता, इन्होंने स्टिंग्स कार्टून कोना के लिए आज का ये कार्टून भेजा है। देखिए क्या दर्शा रहा है आज का कार्टून। फेसबुक से जुड़े हमारे लाखों दर्शकों के विचार एवं सुझाव हमें हर रोज प्राप्त होते हैं। दर्शकों के भेजे संदेश, हास्य विनोद, गजल, कार्टून तथा छायाचित्र आदि को सिटीनस के बुलेटिन से प्रसारित किया जा रहा है। देखते क्या कहते हैं आज का फेसबुक आईना। कैसे रहा दिन भर के मौसम का हाल, एक नजर मौसम की खबरों पर। बुधवार को शहर का तापमान सामान्य रहा। बुधवार को शहर का अधिकतम तापमान रहा 34 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान रहा 27 डिग्री सेल्सियस तो ह्यूमिडिटी का परसेंटेज भी 49% आका गया। गुरुवार को भी शहर का तापमान सामान्य रहने का अनुमान है। क्या कहता है आज का सुविचार। जीवन को आबाद करना है तो मैं कौन हूँ, इस पहेली को हल कीजिए। मैं और मेरे पन के भान से मुक्त हो जाइए। सिटीनस के बुलेटिन में बस इतना ही। जाते जाते एक बार नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मेलघाट के कुपोषण का मुआयना करने महिला बाल विकास मंत्री वर्षा गायकवाड़ दो दिवसीय मेलघाट दौरे पर। पीने के पानी की दर वृद्धि पीछे लेने की मांग, पूर्व विधायिका सुलभा खोड़के का मजिप्रा को ज्ञापन। सामाजिक न्याय विभाग की तमाम योजनाएं लाभार्थियों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी करेंगे पूरी, विधायक रवि राणा का आश्वासन। भारतीय व्यायाम का विदेश में हो रहा प्रचार प्रसार, एचपीएम की टीम कर रही है भारतीय व्यायाम का प्रसार। और महानगर के शानो शौकत बढ़ाने वाला जेएनडी मॉल हो गया सच। सिटीनस के बारे में आप अपने सुझाव एवं विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर। हमारा पता है सिटीनस कार्यालय धनराज लाइन सकर सात अमरावती। हमारा फोन नंबर है 2563833। या आप हमसे ट्विटर या फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं या हमें मेल कर सकते हैं। देश व दुनिया की खबरें और हर बुलेटिन को देखने के लिए लॉग इन कीजिए www.citynews.net पर। सिटीनस पर कार्यक्रम और खबरों का सिलसिला यू जारी रहेगा। लेते आपसे इजाजत, इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार। दिवसाचा हा सर्वात सुखाचा क्षण कोणता आहे अन सांगे काय खरी यारा। इंडिया बुल्स होम लोन्स
आप भी एनमार रिटेल परिवार के मेंबर हो? मैं तो यहाँ इसलिए आती हूँ क्योंकि यहाँ मुझे मिलते हैं बेस्ट प्राइसेस, बेस्ट प्रोडक्ट और बेस्ट कलेक्शन। जब आप इतनी समझदार हो तो स्मार्ट तरीके से शॉपिंग करके उसका लाभ क्यों नहीं उठाते? अरे भाई, एनमार्ट के सदस्यों को रोजमर्रा की चीजों की खरीदारी पे सिर्फ डिस्काउंट ही नहीं मिलता बल्कि अन्य तरीके से लाभ भी मिलता है। एनमार्ट के सदस्य बनने के लिए आज ही कॉल कीजिए 02616774444। ईमेल कीजिए info@nmart.co.in पर।